आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने मासिक मीटिंग अटल सेवा केंद्र में नगर निगम कार्यालय में पहुंचे जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम किया और निरीक्षण, अनुपस्थित कार्मिक को निलंबित करने के लिए आदेश। डाक बंगले से लेकर लाजी होटल तक बने हुए अतिक्रम को हटाने के लिए निर्देश, फूड गेट तकल की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आगाज होगा 12 जनवरी से 2 दिनों तक चलने वाले ऊंट महोत्सव में झूला मरवण में मृत मरवण की रिहर्सल चल रही है। शाही पर्यटन केंद्र निकल केंद्र साहित्य अकादमी की राजधानी साहित्य परामर्शक मंडल के संयोग मधु आचार्य ने तस्वीर को लेकर के और लिख चुका। IMS अंकजीत अजय छात्रों ने भी जबरदस्त उत्साह। वहीं ज्ञान पीढ़ी महाविद्यालय में भी छात्रों ने भी तस्वीर को लेकर जबरदस्त उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुख करते हैं सत्ता बदलने के साथ ही, जहां जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम बीकानेर में पदस्थापित हुए, उनके आने के बाद में लगातार प्रशासन अपनी चुस्ती से कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम विभागों के औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में भी डाक बंगले पर भी पहुंचे, जहां सहायक निदेशक विकास हर्ष भी मौजूद रहे, वहां उन्होंने उसका मुआयना किया। नगर निगम आयुक्त कार्यालय में पर भी जहां कुमार पाल गौतम पहुंचे, कुमार पाल गौतम ने वहां देखा कि कई कार्मिक अनुपस्थित थे, वहीं अनुपस्थित कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कई विभागों पर ताले लटके उनको मिले, जिससे वे नाखुश रहे और उन्होंने इस बात का निर्देश दिया कि जो अनुपस्थित कार्मिक हैं उन्हें निलंबित किया जाए। हम आपको दिखाते हैं वो कार्रवाई जिनमें कुमार पाल गौतम विभागों की औचक निरीक्षण करने पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। तुम्हारे पास 8 महीने से सर, ये अपने कलेक्टर ऑफिस आपके एरिया में पब्लिक पार्क एरिया मैं कह रहा हूँ सफाई इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके घर बैठना पड़ेगा। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने अटल सेवा केंद्र में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान के आदेश भी दिए। साथ ही साथ उन्होंने एक अधिकारियों की बैठक भी ली, जिनमें खासतौर से सरकारी योजनाओं को जल्द से जल्द आम लोगों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश उन्होंने दिए। आइए हम आपको दिखाते हैं इस मीटिंग के कुछ दृश्य।
जो पेचेस में है सर, पेचेस वजह से ये है पूरा यहाँ से लगा तो ये हो गया। और इसकी जमीन है बड़े बड़े चेक, फिर भी अगर रेफरेंस के बाद भी अगर कोई पंचायत इसमें फट्टे जारी करता है गलत तरीके से तो FIR होगी उसमें सर। एक बार इन सबके रेफरेंस करा दो और इन तारबंदी करा दो और वहाँ पर बोर्ड लगवा दो कि ये जो है। नहीं सर, वो खुद ही पिछली जो विजिलेंस कमेटी थी उसके सदस्य थे, वो हर बार मीटिंग में ये उठाते थे। उनसे आज इस पर डिसीजन करना है सर, तो उनसे बात भी है कि आप कह रहे हो ना 100% जो सुविधा विकास हो रहा है सर, ये तो मतलब जो कॉलोनाइजर है उसने कहा साहब मैंने। हाँ, तो आपको फिर परिवादी को पूछना पड़ेगा, जो भी परिवाद आया है यू हैव टू क्रॉस चेक कि भाई ये कॉलोनाइजर ने ये कहा है कि आपका ये हो गया कि नहीं हो गया, उसी के आधार पर ले पाएंगे। कोटगेट थानाधिकारी वेद प्रकाश के नेतृत्व में डाक बंगले से लेकर के और होटल लालजी तक बने हुए अतिक्रमण हटाए गए। गौरतलब है कि CLG मीटिंगों और अन्य लोगों के सुझावों के साथ में जहां बीकानेर के पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज BL मीणा ने भी इस बात का निर्देश दिया और वेद प्रकाश के नेतृत्व में इस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हम आपको दिखाते हैं नगर निगम के दस्ते के साथ में कि कैसे JBC मशीन पहुंची और डाक बंगले से लेकर लालजी होटल तक बने हुए अतिक्रमणों को उन्होंने रास्ते से साफ किया। रास्ता साफ हो जाने के कारण से यातायात काफी सुगम दिखाई दिया। कुल मिलाकर के ये कठोर निर्णय हालांकि तत्कालीन तौर पर तकलीफ दे हो सकते हैं लेकिन आम लोगों के लिए काफी राहत भरे हो सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं इस कार्रवाई की कुछ झलकियां। स्काउट गाइड छात्रों के द्वारा पॉलिथीन बहिष्कार को लेकर के एक रैली निकाली गई। स्कूली छात्राओं ने इस बात का संदेश दिया, उनके हाथों में बैनर थे, तख्तियां थी और नारेबाजी करते हुए पॉलिथीन के बहिष्कार की मांग कर रहे थे। आम लोग अपने जीवन की सुगमता के साथ में पॉलिथीन का उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं लेकिन पॉलिथीन हमारे जीवन में जहर है, पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है और इसी को मद्देनजर रखते हुए छात्रों के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई जिस बात का संदेश दिया जा रहा था कि पॉलिथीन का उपयोग हम न करें जिससे हमारा जीवन बचा रहे। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आगाज होगा 12 जनवरी को डॉक्टर कन्हैया सिंह स्टेडियम में। इस आयोजन को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। ढोला मरवण प्रतियोगिताओं के साथ में जहां लोग रिहर्सल कर रहे हैं वहीं मिस मरवण कंपटीशन में भाग लेने वाले छात्राओं की रिहर्सल भी इन दिनों सहायक पर्यटन केंद्र ढोला मारू स्थित विभाग में चल रही है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मिस मरवण के कंपटीशन में भाग ले रही इन युवतियों ने कैटवॉक करते हुए न केवल रिहर्सल किया बल्कि काफी कॉन्फिडेंस भी उनमें दिखाई दिया। गौ सेवा परिषद के तत्वावधान में रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जिला उद्योग संघ परिसर में एक बैठक का आयोजन रखा गया। इस बैठक के दौरान गौशालाओं के संचालन, उसमें मिलने वाली इमदाद और उनके रखरखाव को लेकर के और काफी चर्चा की गई। आइए हम आपको लिए चलते हैं जिला उद्योग संघ परिसर में जहाँ गौ सेवा करने वाले इनकी एक बैठक सम्पन्न हुई। अनौपचारिक बात कर रहे हैं, अंदर जाता है, जमानत लेता है, बाहर आकर उससे ज्यादा गंदगी करता है।
जिला उद्योग संघ परिसर में बैठक के बाद में हमने गौ सेवा परिषद के पदाधिकारी से की विशेष बातचीत। गौ सेवा परिषद का गठन किया है जिसका मूल मकसद जो है कि राजस्थान को बचाना, राजस्थान के अंदर गौपालकों को बचाना, राजस्थान के अंदर गौ माता को बचाना। क्योंकि पूरे राष्ट्र में हम देखें तो सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गौ भी है और गौपालक भी है, लेकिन दोनों की स्थिति बड़ी दयनीय है। हम थोड़ा सा गौर से देखें तो राजस्थान के अंदर बहुत आयत में मुख था, रेगिस्तानी जहाज कहा जाता था, बड़े बड़े कैमल रिसर्च सेंटर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ से लुप्त हो रहा है क्योंकि उसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। अब इसको गाय को बचाने के लिए हमको इस संस्था का हमने गठन किया है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि गौपालक। लोकसभा और राज्यसभा में 10% सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के बिल पास हो जाने के बाद में उन लोगों में खुशी देखी गई जो खासतौर से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे थे। हालांकि दोनों ही सदनों में बिल के पास हो जाने के बाद में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह केवल चुनावी स्टंट है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में इस बात को लेकर काफी खुशी है। हालांकि इस बात के साथ ही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और मास्टर स्ट्रोक चला दिया है जो अब लोगों को काफी ठीक लग रहा है। हालांकि परशुराम सर्कल पर के शर्मा के नेतृत्व में कई लोगों ने आर्थिक आधार पर 10% तक आरक्षण के बिल पास हो जाने के बाद अपनी खुशी जाहिर की। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं राइट स्टेप ग्रुप और बीकानेर अब तक न्यूज की साझा कार्यक्रम यूथ फेस्टिवल की। यूथ फेस्टिवल में युवा सांसद वरुण गांधी आ रहे हैं। 13 जनवरी को रविंद्र रंगमंच पर आयोजित होने वाली युवा संसद में भी अपना व्याख्यान भी देंगे। इस मौके पर बीकानेर की युवा प्रतिभाएं भी अपनी प्रतिभा और योग्यता का प्रदर्शन करेगी, लेकिन 3 दिनों तक महाविद्यालय छात्र छात्राओं में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। इसके कन्वीनर डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और इसी क्रम में जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित IMS इंस्टीट्यूट में वहां पहुंचे जहां पर छात्र और छात्राएं फॉर्म भर रही थी और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के प्रति उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। आइए हम आपको ले चलते हैं IMS जहां पर यूथ फेस्टिवल को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। यूथ फेस्टिवल को लेकर के यहाँ के बच्चों में कितना उत्साह है, हमने बच्चों से भी की बात। वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस यूथ फेस्टिवल। पहली बार बीकानेर में हुआ है ये कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टाइम मुझे आज ही पता चला एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक पार्ट इन ऐसे कॉम्पिटिशन, सो होप कि बहुत अच्छा हो। हमारे कॉलेज IMS में यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया है
जो 11th, 12th एंड 13th ऑफ जनवरी को है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, और लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट. थैंक यू. फिर मैं भाग लूँगा, मैं इसके लिए बहुत इच्छुक हूँ और मैं इसके लिए बहुत मेहनत भी करता हूँ, और मेरा फैशन है ये निबंध प्रतियोगिता, तो मैं इस बार इसमें बहुत मेहनत करने वाला हूँ. तो आपको कैसा लग रहा है, एक अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अलग जगह मिलेगी जहाँ मैं कुछ परफॉर्म कर पाऊँगा अपना? इस मौके पर हमने IMS इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर से की बातचीत. ये एक बहुत ही अच्छे विषय पे संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है बीकानेर में. बीकानेर की आम जनता के लिए, खास करके विद्यार्थियों के लिए, एक सुनहरा मौका है कि युवा संवाद कार्यक्रम बीकानेर में अपनी तरह का एक पहला कार्यक्रम होने जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से ना केवल युवा बल्कि आने वाली सारी पीढ़ी, इवन व्यस्क लोगों को भी इससे एक मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है. और मैं आशा करता हूँ इस कार्यक्रम की सफलता की, और मेरा पूरा सहयोग इसके साथ रहेगा, हमारे कॉलेज का पूरा सहयोग रहेगा. भविष्य के लिए शुभकामनाएं. ज्ञान PEC महाविद्यालय में भी यूथ फेस्टिवल को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया. यहाँ पर भी बच्चे फॉर्म भर रहे थे. हम आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ झलकियाँ. यहाँ के फैकल्टी मेंबर से भी हमारे प्रतिनिधि की बातचीत. इस यूथ फेस्टिवल जो ये हो रहा है, ये उनका जो एक्स्ट्रा जो टैलेंट है जो वो दिखा नहीं सकते हैं, इसके माध्यम से वो स्टेज पे आके जो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं वो अपना इसके माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. और ये जो हो रहा है इसके इसमें जो मैंने पार्टिसिपेट किया है, मैंने इसमें एकल नृत्य में मैंने पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए मैंने सर को एंट्री करा दी. यूथ फेस्टिवल को लेकर के यहाँ के बच्चों में कितना उत्साह है, हमने बच्चों से भी की बातचीत. मेरे हिसाब से ये सही किया गया है, यूथ को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा. और जो ये वरुण गांधी आ रहे हैं, मुख्य वक्ता है युवा सांसद भारत के, उनसे मिलने का भी मौका मिलेगा, बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए. सभी को इसके अंदर ये पार्ट लेना चाहिए, और उनका जो भी टैलेंट है उनको लोगों के सामने ये रखना चाहिए, ये प्रोत्साहन किया जाएगा. और फेस्टिवल हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इससे सारे युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, और एक ही मंच पर 20 कॉलेजेस, ये पहली बार हो रहा है शायद, तो ये बहुत ही अच्छा है. एंड आई एम सेकंड ईयर. ये बड़ा ही अच्छा एफर्ट है जिसमें सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम लोग अपना स्टडी के अलावा हम लोग जो करना चाहते हैं, या जिससे किसी की प्रतिभा में कुछ निखार आ सकता है. वैसे भी एक LLB स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मंच पे जाए, बोलना सीखे, और ये एक्टिविटीज़ जो है वो एक तरह से अंदर छुपी हुई जो हिच है उसको निकालती है. सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के, इस युवा संसद के आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए एक इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा अवसर प्रदान किया जा रहा है. इसके साथ युवाओं में की प्रतिभाओं में दिखा रहे हैं, वो अपने सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होंगे. ये मैं और मैं सभी पार्टिसिपेंट को और आयोजन समिति को धन्यवाद देना. यूथ फेस्टिवल बीकानेर का एक शानदार और बड़ा आयोजन है, अपने आप में काफ़ी अनोखा आयोजन है. कहना है साहित्यकार पत्रकार मधु आचार्य का, हमने इस यूथ फेस्टिवल की बाबत उनसे भी की विशेष बातचीत. 11 से 13 जनवरी तक बीकानेर में होने वाला ये यूथ फेस्टिवल, मैं जहां तक समझता हूं बीकानेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के लिए एक अनूठा आयोजन है. लगभग 1000 युवाओं का एक जगह पर एकत्रित होना युवा शक्ति की वो बड़ी स्ट्रेंथ है जिससे किसी लकवानुमा आदमी हो और उसके हाथ पैर सुनो उसमें भी रोशनी दौड़ जाए, क्योंकि युवाओं की शक्ति बेजोड़ है. इस आयोजन के दौरान कई तरह की प्रतियोगिताएं करके बच्चों के मानसिक विकास का प्रयास किया जा रहा है. वहीं वरुण गांधी जैसे युवा सांसद को इसमें वक्ता के रूप में बुलाना इस बात को साबित करता है कि ये पहला ऐसा आयोजन है वो जो पूरी तरीके से
यूथ पर, युवा पर समर्पित है और केवल युवा को एक साधन उपक्रम नहीं माना गया है बल्कि युवा की शक्ति को पहचान उसे उभारने का एक भागीरथी प्रयास किया गया है। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए आयोजकों को, चंद्रशेखर श्रीमाली को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि बीकानेर का हर युवा इस आयोजन से जुड़कर बीकानेर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करेगा। वहीं बीकानेर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर केबी गुप्ता से भी हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत, आइए हम आपको दिखाते हैं केबी गुप्ता से हुई बातचीत के कुछ संपादित अंश। ये जान के बहुत खुशी हुई है कि अब तक चैनल यूथ फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज कर रहा है बीकानेर में और ये अपने स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन उपलक्ष्य के अंदर कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का और मैं इस प्रयास के सफलता के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और चलते चलते डाल देंगे नजर आज की खास खास खबरों पर। नगर निगम कार्यालय में पहुंचे जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम किया और तक निरीक्षण, अनुपस्थित कार्मिक को निलंबित करने के लिए आदेश। डाक बंगले से लेकर लालजी होटल तक बने हुए अतिक्रम को हटाने के लिए निर्देश, फूड गेट तत्व की बड़ी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आगाज होगा 12 जनवरी को। बुध तक चलने वाले ऊंट महोत्सव में झूला मरवण में मृत मरवण की रिहर्सल चल रही है। साहित्य पर्यटन केंद्र बीकानेर केंद्र साहित्य अकादमी की राजस्थानी साहित्य परामर्शक मंडल के संयोजक मधु आचार्य ने तस्वीर को लेकर के और दीक्षा। IMS इंस्टीट्यूट और जो छात्रों में भी जबरदस्त उत्साह। वहीं ज्ञान पीढ़ी महाविद्यालय में भी छात्रों में भी तस्वीर को लेकर जबरदस्त उत्साह। सबसे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। बीकानेर अब तक न्यूज की तमाम खबरों से अपडेट रहिए। आप अपने प्ले स्टोर में जाकर के और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, टाइप करिए बीकानेर अब तक न्यूज और आपके मोबाइल पर बीकानेर के तमाम लोकल चैनल्स के साथ हर घटना आपको दिखाई देगी और साथ ही साथ लाइव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए और आप अपने प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टाइप करें बीकानेर अब तक न्यूज़ और हमारे साथ बने रहिए अनवरत 24 घंटे। ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार।